ओ स्टिकर निकल गया है। तो फिलहाल कोई BPL कंपनी की टीवी है, पीछे इसका लोगो लगा, मैं इसकी बॉडी देख के बताया मैंने आपको भी। तो BPL कंपनी की टीवी, फिलहाल इसमें BPL का सर्किट नहीं लगा है, नॉर्मल सर्किट है। तो आज इसको हम रिपेयर करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, कोई भी टीवी हो मैं इसको रिपेयर करता हूं तो आपके सामने ही खोला जाता है, जो प्रॉब्लम है चेक किया जाता है, मतलब सब कुछ आपके सामने किया जाता है, मतलब कोई भी बात छुपाने का नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आखिर इस टीवी में क्या प्रॉब्लम है। उससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो पावर की लीड ये रही, ये माइक का वायर है, ठीक है। तो लगाते हैं पावर में, तो पावर में लगा दिया गया है और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। तो ज़्यादा कुछ दोस्तों फॉल्ट सामने नहीं दिख रहा है, यही टीवी है, वर्टिकल लाइन आ रही है इसमें, ठीक है। इसको हम सही करेंगे, पता नहीं इसको वर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल होती है। तो ठीक है, फिलहाल वर्टिकल सेक्शन से फॉल्ट है, उल्टा होता है दोस्तों। ये मैंने अपने पापा के जो है कि उन्होंने जो है कि मुझे सिखाया है, तो मैंने उन्हीं की किताब में या कॉपी में कहीं उन्होंने नोट बनाया था तो पढ़ा था कि जब अगर खड़ी लाइन आए तो हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन चेक करेंगे, और अगर बेड़ी लाइन आए तो वर्टिकल सेक्शन चेक करेंगे, उल्टा होता है दोस्तों। फिलहाल आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और ये कहाँ से है। टीवी दोस्तों ओपन हो चुकी है आपके सामने ही, फर्स्ट क्लास गंदा हो चुका है काफ़ी सर्किट इसका। तो सर्किट को निकालते हैं बाहर, और कैमरा दोस्तों काफ़ी ऊंचा सेट है, तो मैं सबसे पहले उसको थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि आपको कुछ दिख जाए, ठीक है। ये रहा सर्किट इसका, और कैमरा रहा अपना सेट करने के लिए तैयार हो रहा है। हाँ स्टैंड दोस्तों रेडी है, जुगाड़ अपना जिंदाबाद, ठीक है। अच्छा ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है कैमरा कुछ हद तक सेट, और लो एंगल पे और चाहिए तो हमको हमारे पास हमारे कैमरे में स्टैंड में और भी जुगाड़ है। फिलहाल इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। तो सबसे पहले सर्किट को निकालते हैं बाहर, तो थोड़ी सी गंदगी है, मशीन का प्रयोग ना करके हम ब्रश का उपयोग करने वाले हैं, क्योंकि मशीन का प्रयोग करेंगे सारी गंदगी अभी शॉप के अंदर ही भरेगी, तो फिर हमको ही साफ करना पड़ेगा, ठीक है। इतना ब्रश से ही काम हो जा रहा है तो क्या ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। जैक को निकाल लेते हैं सभी, सिर्फ पावर वाली जो है कि जैक को छोड़ के। तो लगाते हैं पावर में टीवी को, और सर्किट को पलट लेंगे हम अभी फिलहाल, ठीक है दोस्तों। सर्किट को मैं लगाता हूँ पावर में, सीरीज में लग गया है दोस्तों, टीवी से सरसराने की आवाज़ आ रही है। तो फिलहाल ये ST कैप की आवाज़ है, ST कैप में छेद भी हो चुका है। फिलहाल मेरा जो फॉल्ट है मैं उसको सही करने वाला हूँ, तो ज़रा आपको दिखाते हुए बात करते हैं, कैमरे को हाथ में लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं सप्लाई को, सप्लाई वर्टिकल सेक्शन की, ठीक 36 वोल्ट नहीं 24 वोल्ट है, ये 26 वोल्ट, मीटर ख़राब है जिसका जीरो दोस्तों कट गया है, इसलिए इस तरह से जो है कि दिख रहा है। और ये है 27 वोल्ट, तो ये फ़िलहाल हमारी IC पे सप्लाई पड़ रही है। और दोस्तों ये वाला पॉइंट जो इसका पहला पॉइंट है, इस पर आप अगर उंगली रखेंगे, अगर IC सही होगी तो पिक्चर हमारी फैलनी चाहिए, तो IC हमारी शायद सही नहीं है क्योंकि पिक्चर फैल नहीं रही है, ये आप देख सकते हैं IC पर मैंने उंगली रखी हुई है। IC अगर सही होगी, IC पर उंगली रखेंगे तो पिक्चर फैलेगी, तो फिलहाल ये IC हमारी ख़राब है। और ख़राब होने का रीज़न दोस्तों इसमें सिंपल सा है, ये ST कैप ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से इसमें कभी स्पार्किंग हुई होगी, जिसकी वजह से IC चली गई होगी हमारी। तो इसमें स्पार्किंग में IC क्या बहुत कुछ जा सकता है, कोई सीमा नहीं है इसकी, क्या क्या ख़राब हो सकता है। तो जल्दी से मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, तो निकालता हूँ IC को,
डिसोल्ड वायर की जगह मैं दोस्तों ये इस कटे हुए ब्रश का यूज़ करता हूँ, मुझे तो काफ़ी इजी लगता है। ये हो चुका है हमारा, बस उधर से स्क्रू खोलना है और जो है कि बस निकाल लेना है, काम ख़त्म। नहीं काम कहाँ ख़त्म, अभी तो आईसी लगाना भी है। फटाक से स्क्रू को खोलता हूँ, 78040 लगाएंगे भी हम। तो दोस्तों थोड़ा सा स्क्रू खोलने में दिक्कत है क्योंकि ये टेढ़ा है, तो मैं नोच प्लास की सहायता से, पतले मुँह का प्लास जो है उसकी सहायता से खोलूँगा अभी इसके स्क्रू को, क्योंकि दिक्कत कर रहा है ये खोलने में। अभी कुछ टूट जाएगा, मतलब कोई कैपेसिटर टूट गया तो वो भी काम बढ़ेगा अपने ऊपर ही। तो स्क्रू ढीला हो चुका है, अब हम खोल लेंगे जल्दी से। अब की बार हम नट इस तरफ से लगा देंगे तो और हमको आसानी होगी टाइट करने में भी। ठीक, इसी की प्लास की सहायता से आईसी को भी निकाल लेंगे। ये निकल चुकी है आईसी, ये आईसी देख लीजिए किस नंबर की है, कैमरे भाई दिखा दो, 78040। ठीक है, फेंकते हैं, दूसरी आईसी लाते हैं। माइक वाला वायर थोड़ा छोटा है, मैं बचा कर जाता हूँ, नहीं तो कैमरा भी गिरेगा धड़ाम, तो मोबाइल गिर जाएगा, मोबाइल ही अपना कैमरा है, सब कुछ है। अच्छा ठीक है, तो मिल गया आईसी, नहीं ये तो 20-30 है, ये रहा दोस्तों, इसको रखते हैं, इसको निकालते हैं। एक आईसी की ज़रूरत है बस, एक आईसी लगाएंगे। ठीक है, तो लगा लेते हैं और स्क्रू को भी टाइट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फटाक से भाई लग जाओ आईसी, व्यूअर हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा ये लग गया दोस्तों, ये टाइट है। अब तो आईसी का पिन सब कुछ आ चुका है, बस एक पॉइंट कहीं से हमारा दब गया है, इस साइड से दबा हुआ है, तो मैं उसको कर लेता हूँ सही, क्योंकि आईसी एक बार टेढ़ा कर दिया गया है तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। बस अब सही है, कोई दिक्कत नहीं, लग जाओ यार जल्दी से। अच्छा सोल्डिंग हो रही है ना, तो ठीक है दोस्तों, ये आईसी हमारी लग चुकी है। अब हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेंगे, क्लीनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सफाई वाला काम बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समय जाएगा बट काम बिल्कुल साफ रहे दोस्तों। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ऐसी आईसी लगी लगा मतलब पता नहीं चल रहा है कि आईसी इसमें लगी है, तो लगाते हैं आपके साथ, हम भी देखेंगे क्या कहता है। अभी दोस्तों ये जो है वर्टिकल लाइन ही आ रही है, ये आप देख सकते हैं ना। ठीक है, तो आइए फिर सर्किट को पलटते हैं और अच्छा ठीक है, ये उंगली रखने पे भी मतलब इसका नहीं बढ़ रहा है ये आगे का। तो अब बारी आती है दोस्तों ये कॉइल चेक करने की, पीएफ चेक करने की, और काफ़ी सब जो है चेक करना है। तो सबसे पहले ये कॉइल को चेक करेंगे, ये वाली वायर निकाल के सीरीज से डायरेक्ट हम लाल नीला छोड़ के उसके आगे वाले पॉइंट पे, तो ये कॉइल हमारी सही है, लाल नीला भी सही है। अब जैक को लगाते हैं, आइए थोड़ा सा ये काम बढ़ा है, तो अभी इसमें 400 वोल्ट का पीएफ एक लगा होगा कहीं पे, तो उसको देखते हैं और इस पर एक पीएफ और लगाएंगे। ये रहा कितना है, 330 NJ 400 वोल्ट, तो इस पर एक पीएफ हम लगाएंगे 400 वोल्ट का, कोई भी चेक करने के लिए फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में 400 वोल्ट, 650।
दोस्तों पीएफ लगाने पर कोई असर नहीं है इसमें, तो देखते हैं आखिर ये प्रॉब्लम हमारी कहाँ से आ गई है इसमें। और ये कॉयल यहाँ पे लगी है, ज़रा इसको मैं डायरेक्ट करके देख लूँ कॉयल को शीशे में। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक शीशा लगाया, मैं उस शीशे में देखता हूँ। तो फिलहाल इस कॉयल से इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आईसी हमारी काम नहीं कर रही जिस तरह से ये दिखा रहा है, उस हिसाब से इसमें आईसी ये काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों आईसी काम करने लगी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं उंगली रख के दिखाऊंगा तो फिर ये देखिएगा आगे जो है। ये देखिए अभी लाइट ऐसे आ रही है ना, मैं उंगली रखता हूँ, देखिए देखिए ये देख सकते हैं आप। तो ये प्रॉब्लम हमारा इस वर्टिकल सेक्शन से ही है, देखेंगे आखिर इसमें ये क्या कौन सा रेजिस्टेंस ख़राब है। बट आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, सही समय दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं तो शीशे में देख लूँगा, आप कहाँ देखेंगे। तो कोई रेजिस्टेंस इसमें ख़राब हो सकता है या कोई भी कुछ ब्रेक हो सकता है, लेकिन चेक करना है ज़रूरी, बिना चेक किए नहीं जान पाएंगे। और मैं ऐसे कुछ दिख रहा है आपको, लेकिन सर्किट नहीं दिख पा रही है। अच्छा ठीक है, इतना मैनेज करते हैं। बट ये ब्राइटनेस इतना अधिक है जो है कि शॉप में कैसे सेट किया जाए कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है देखते रहिए, इतने पे ही, मैं तो शीशे में देख ले रहा हूँ। दोस्तों मैं अभी देख रहा हूँ कहीं कुछ ड्राई तो नहीं है यहाँ पे। दोस्तों इसमें ये 38072 ट्रांजिस्टर लगा है, इसकी वजह से भी होता है ये कभी कभी। तो इसमें भी हम सप्लाई को चेक कर लेंगे। फ़िलहाल 8 वोल्ट 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट में मिल रही है कि नहीं। तो ये 9 वोल्ट, ये भी 9 वोल्ट, ठीक 5 वोल्ट, तो ये सब सप्लाई सही है। सैंतीस 36 मिला लिए, 26 27 है। तो फिर दोस्तों इसमें लगने वाला है थोड़ा सा समय, इसलिए जो है कि मैं इस फॉल्ट को शॉर्ट आउट कर लूं, क्योंकि समय लगेगा तो काफ़ी लंबा वीडियो आप सब देखना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि बोरिंग फील होता है और मैं कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं यूज़ करता। तो फिलहाल देख लेता हूँ मैं ये फॉल्ट कहाँ से, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फिर दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारा मिल चुका है, आखिर ये कहाँ से है। दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस छोटा सा फॉल्ट था। और मैं आपको बता दूँ छोटे फॉल्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत लेते हैं बनाने में। तो ये फॉल्ट हमारा सही होने वाला है, मतलब आपके सामने सही करने वाला हूँ। तो मैं लगाता हूँ पावर में, और दोस्तों इसमें एक रेजिस्टेंस ख़राब है मात्र, और कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो ये देख सकते हैं अभी यहाँ किनारे साइड पे आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा, तो वर्टिकल लाइन अभी भी आ रही है, ठीक है ये देख सकते हैं। हाँ तो आइए इसको सही करने के लिए मैं आपको सही करके दिखाता हूँ। इसमें एक रेजिस्टेंस है 47K का, तो मैं उसको आपको लगाने वाला हूँ इस सर्किट में, जो है कि यहाँ पर लगा। मैं आपको भी नज़दीक से दिखाऊँगा, सबसे पहले मैं आपको सही करके दिखा दूँ। अभी दिखाने वाला हूँ कहाँ का ये रेजिस्टेंस है। टीवी चालू है दोस्तों, ठीक एक पॉइंट जुड़ गया, दूसरा जोड़ते हैं। तो फिर दोस्तों ये फिक्चर हमारी पूरी हो चुकी है, तो मैं अभी इसको दिखा दूँ आपको। तो देख सकते हैं आप पिक्चर हमारी ये पूरी आ चुकी है। और ये रेजिस्टेंस कहाँ का है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये रेजिस्टेंस जो है कि मैंने ऊपर से लगाया जो है ये वाला है, और ये ख़राब कहाँ का है यहाँ पे दोस्तों, इस साइड पे यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस लगा है, कहाँ गया ये वाला देख सकते हैं।
ये रेजिस्टेंस है जिसको मैंने रांगे से छुआ हुआ है, यही रेजिस्टेंस है। इस तरह से ब्रेक भी नहीं है लेकिन फिर भी ख़राब है। तो ये प्रॉब्लम हमारा सही हो चुका है। तो ये वीडियो काफ़ी वैसे भी लंबा है और ज़्यादा लंबा मैं खींचूंगा नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।